बीच छिड़े युद्ध का आज चौथा दिन है, लेकिन ये युद्ध की भयावह जो तस्वीरें हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इसी बीच भारत के हजारों छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो भारत सरकार के द्वारा लगातार मंथन की जा रहा है, सीसीएस की बैठक बुलाई जा रही है, ऐसे में तमाम तैयारियां की जा रही है कि कैसे वहां के छात्रों को विमानों द्वारा वापस लिया जाए। लेकिन दो जत्थे जो है वो आ चुके हैं, एक जत्था पूरी तरह से आने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, कुछ वीडियो सामने आ रहे हैं, ये आप देखिए और समझिए। यहां पर कुछ छात्रों ने कहा है कि वहां की जो इंडियन एम्बेसी है वहां पर वो लोग रुके हुए हैं, उनके पास खाने पीने की पर्याप्त चीजें अब खत्म होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अगर बॉर्डर पर उन्हें पहुंचना है तो उन्हें 30 किलोमीटर तक पैदल चलना होगा भूखे प्यासे। ऐसे में उनका यह कहना है कि इंडियन एम्बेसी हमारी मदद नहीं कर रही है, वही यहां से लगातार मदद पहुंचाई जा रही है, लेकिन वहां जाके हालात जो है वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। तो सीधे यूक्रेन के कीव से योगमाया उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गई हैं, तो वहीं उनके पिताजी हैं प्रदमेश उपाध्याय, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले योगमाया, हालात बेहद खराब है, सभी तमाम देश के टीवी चैनल्स पर ये खबरें लगातार दिखाई जा रही हैं। आप लगातार ये आरोप लगा रही हैं कि वहां पर जो इंडियन एम्बेसी है, जो वहां पर आप रुके हुए हैं, वहां पर आपको फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड की जा रही है। योग माया, मेरी आवाज जितना ये लोग कर पा रहे थे स्टार्टिंग के डेज में, उससे अब दिन ब दिन जो है स्थिति खराब होती ही जा रही है। यहाँ पर हम कुछ अभी 150 से 200 बच्चों के बीच में हम जो है यहाँ पर जो स्कूल में स्टे कर रखे हैं। तो यहाँ पर अब धीरे धीरे कर्फ्यू लगना स्टार्ट हो गया है, ना बाहर शॉप्स में कुछ भी चीज़ें अवेलेबल हैं। जितना सामान जो बच्चों पे था उतना भी वो धीरे धीरे यूज होते जा रहा है। एम्बेसी वाले एडवाइजरी जारी कर रहे हैं कि तुम अपने रिस्क पे जो है यहाँ से निकल जाओ। उन लोगों ने बता दिया है कि ट्रेन्स जो है यहाँ से अवेलेबल हैं, तो वो लोग बोल रहे हैं कि ट्रेन्स में निकल जाओ, और फिर ट्रेन्स में निकल के वेस्टर्न सिटीज़ में वो लोग बोल रहे हैं कि वेस्टर्न सिटीज़ में पहुँच जाओ। बट वेस्टर्न सिटीज़ जाने के बाद क्या, और यहाँ से जो रेलवे स्टेशन है वहाँ तक जाने का भी जो रिस्क है उसका भी एम्बेसी कुछ नहीं बता रही है। स्टार्टिंग के डेज में ठीक है, एम्बेसी ने यहाँ पर हम लोग को रुकाया है, वो सब ठीक है, बट अब धीरे धीरे ना तो इधर फूड भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने के उसमें है। इसके बाद आज हमको कुछ नहीं मिला है खाने को, आज के बाद भी हमको कुछ पता नहीं है कि हमें कुछ खाने को मिलने वाला है या नहीं है। बाकी यहाँ पर हम रुके हुए हैं, जो कीव इधर सेंटर है, तो दिन भर जो है बॉम्ब्स और फायरिंग इन सब की आवाज़ें आती रहती हैं। अभी आज कल शाम से कर्फ्यू लग चुका था, तो अभी हालात बहुत ज्यादा ही खराब है, और एम्बेसी की तरफ से कुछ भी रिस्पांस नहीं है कि हमको अब करना क्या है। ये बताइए कि वहां से, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो लोग बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं उन्हें एयर इंडिया का विमान जो है वहां से वापस ला रहा है, वतन वापसी हो रही है, तो वहां से कितनी दूरी पर ये बॉर्डर पड़ रहा है जहाँ से आप लोगों को आना है, क्योंकि वहां तक जाना भी मुश्किल है, क्योंकि चारों तरफ से धमाकों की आवाज, मिसाइल्स की आवाज, ये तमाम चीजें हम देख रहे हैं। वहाँ तक जाना तो मुश्किल है ही, कीव से तो बॉर्डर बहुत ज़्यादा दूर है, मतलब कम से कम 12 घंटे का रास्ता अगर हम बाई कार ट्रेवल करेंगे तो बॉर्डर यहाँ से 12-13 घंटे के रास्ते पर हैं। बट बॉर्डर पहुँचने के बाद भी जो ये बोल रहे हैं कि बच्चों को बॉर्डर पहुँचने के बाद सेफ्टी है, या बॉर्डर पहुँचने के बाद बच्चों को पहुँचाया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रोमानिया का बॉर्डर है, चाहे पोलैंड का बॉर्डर है, इन सभी बॉर्डर्स पे बच्चों की हालत, हम तो अभी यहाँ कीव में स्टे कर रहे हैं, हमसे भी ज़्यादा हालत ख़राब जो है वो बॉर्डर वाले बच्चों की है। वो लोग वहाँ पे 3-3, 4-4 दिन से वो लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं, उनको वहाँ पर इंडियन एम्बेसी का कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, ऐसा वो लोग बता रहे हैं। वहाँ पर ना उनके पास कुछ खाने के लिए कुछ है, ना पीने के लिए है, ना उनके पास छत है। -3-4 डिग्री सेल्सियस में वो लोग 2-4 दिन से वहीं पर फंसे हुए हैं। बिल्कुल, यहाँ से अगर हम अपनी रिस्क पे जो एम्बेसी हमको बोल रही है। युग, मैं आपके साथ एक और स्टूडेंट में देख पा रही हूँ, इनका नाम क्या है आप बता सकती हैं? युग माया, समक्ष पाराशर।
समक्ष पारस, और आप बताइए किस तरह की तकलीफें वहां झेलनी पड़ रही हैं, क्योंकि स्थिति बहुत ही भयावह है। यहां से देखिए लगातार अगर विदेश मंत्रालय से कांटेक्ट हो रहा है, इसके बावजूद ये तैयारी हो रही है कि जैसे तैसे भारतीय छात्रों को, ये आश्वासन दिया जा रहा है कि हर एक भारतीय छात्रों को वहां से वापस लाया जाएगा। तमाम टीवी चैनल्स पर ऐसी खबरें आ रही हैं, लेकिन आप बता रहे हैं कि वहां पर आपकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है, खाने पीने की चीजें नहीं है, इसके अलावा वहां पर इंडियन एम्बेसी जो है ये कह रहा है कि आप यहाँ से चले जाइए, बॉर्डर्स पर जाना मुश्किल है क्योंकि ट्रेन में जाना भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। ट्रेन में जाना यहाँ से काफी ज्यादा मुश्किल और रिस्की है, क्योंकि कल कुछ स्टूडेंट्स एम्बेसी वालों की बात मानकर जो गए थे स्टेशन की ओर, उन्हें एम्बेसी वालों ने बोला था कि दो ट्रेन हैं अलग अलग टाइम पे। पहली ट्रेन में तो कुछ बच्चे चढ़ गए थे अपने अकॉर्डिंगली, और जब दूसरी ट्रेन वाले गए थे तो स्टेशन पे पहुंचे वो लोग वहीं रह गए, और स्टेशन के पास फायरिंग और ब्लास्ट होने लगे तो वो लोग रात भर वहीं फंसे रहे, वहां पर भी सेफ नहीं था। कुछ स्टूडेंट्स को तो इनफैक्ट यूक्रेनियन आर्मी ने गन पॉइंट पर भी रख लिया, तो बाहर जाना इस समय तो एम्बेसी से बिल्कुल बहुत दर्दनाक है। आपके पिताश्री हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रादमेश उनका नाम है। प्रादमेश जी, ये बताइए कि आप लोग लगातार सरकार से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप गुहार लगा रहे हैं, एक गंगा मिशन भी चलाया गया है, उस गंगा मिशन के तहत तमाम भारतीयों को जो छात्र हैं उन्हें लाने की कवायद की जा रही है, लेकिन आपके जो बच्चे हैं वहाँ फंसे हुए हैं उनका ये आरोप है कि वहाँ पर उन्हें कोई फैसिलिटी नहीं दी जा रही है, इंडियन एम्बेसी जो है वो भी हाथ खड़े कर रही है, तो यहाँ से आप किस तरह से गुहार लगा पा रहे हैं? हाँ मैडम, जो मेरी बच्ची से जो बात हुई है जी, उन्होंने केवल स्टार्टिंग में उन्होंने स्कूल में रोका दिया और उन्होंने व्यवस्था की, लेकिन अभी वो उनसे रेस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल खत्म करना चाह रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आप तो अपने हिसाब से ट्रेन से जाओ और बॉर्डर पे अपने आप अपने खुद से पहुंचो, तो वो बच्चे मुश्किल जो पहुंच भी गए वो भी मुश्किल में। अभी जो फ्लाइट में बच्चे आए हैं वो बॉर्डर के जो नजदीक थे, जो वहाँ यूनिवर्सिटी जो पास में थी, वो बच्चे फ्लाइट में आ गए। यहाँ पे इधर मैं यहाँ जो ट्राई कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा सभी साथ दे रहे हैं, यहाँ पे चाहे हमारे जिला कलेक्टर हो, हमारे एमपीओ नरेंद्र सांसद जी हों, हमारे महाराज सिंधिया जी हों, और यहाँ पे पूरा सपोर्ट मिल रहा है, ये लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे निकल के आए, लेकिन वहाँ एम्बेसी उतना अच्छा ध्यान नहीं दे पा रही। बिल्कुल, और इसको लेकर सरकार भी यहाँ से तमाम तैयारियां कर रही है। देखिए स्थिति तो भयावह है, यहाँ से सरकार क्योंकि युद्ध तो पूरी तरह से छिड़ा हुआ है, ऐसे में जो भी तैयारियां हो रही हैं, जो बोला जा रहा है वो कुछ यहाँ दिख ना, तो हम जो कीव में जो इंडियन एम्बेसी के, हम तो इंडियन एम्बेसी के साथ में इधर बैठे हुए हैं, ना तो हमें यहाँ पर कुछ तैयारियां दिख रही है, ना हमको पता है कि हमें करना क्या है, हम यहाँ पर कब तक रुके हुए हैं, क्या है। युगमाया, खाने पीने का कोई सामान नहीं बचा आप लोगों के पास? खाने पीने का सामान भी जो है, आप लोग कितने स्टूडेंट्स हैं जो अभी यहाँ पर इस समय मौजूद हैं? हम लोग यहाँ पर अभी स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ पे 400 से कुछ बच्चे थे, जो कि कल एम्बेसी ने जिन लोगों को ट्रेन के बारे में बताया, उसके बाद हम यहाँ पर 150 से 200 बच्चे बचे हुए हैं, तो यहाँ पर भी अब हमको पता नहीं है कि ना एम्बेसी हमको कुछ बता रही है कि हमको क्या करना है, कि यहाँ पे कुछ चीजें करी जा रही है हमको निकालने के लिए, यहाँ पे भी कुछ नहीं पता। जो बच्चे बॉर्डर पे फंसे हुए हैं उन लोगों को भी कुछ नहीं पता, बॉर्डर पे बच्चों के पासपोर्ट फाड़े जा रहे हैं, बच्चों को मारा जा रहा है। माध्यम से सिर्फ यही आप लोगों से कह सकते हैं कि आपको धैर्य रखने की भी जरूरत है, क्योंकि लगातार सरकार कोशिश कर रही है यहाँ से, और उम्मीद बहुत ज्यादा है कि आप लोगों को सकुशल वहां से वापस लाया जाएगा। एक परिजन भी हमारे साथ बने हुए हैं, वो कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात रखिए और पहले बताइए कि आप क्या, आपकी क्या समस्या है, आप लगातार किस तरह से कांटेक्ट कर रहे हैं सरकार से? मैडम, मैं समक्ष का पापा बोल रहा हूँ। एक्चुअली जो भी फ्लाइट्स आई हैं, जैसे हम टीवी पे दिखा रहे हैं कि 2-3 फ्लाइट्स आए हैं यूक्रेन से इंडिया, जो रोमानिया बॉर्डर से, तो वो बच्चे आए हैं जो बिल्कुल रोमानिया बॉर्डर के पास में थे, उनका इवैक्यूएशन बड़ा इजी था, बट जो बच्चे कीव में और जो खार्किव और ईस्टर्न बॉर्डर में फंसे हुए हैं उनके लिए बड़ी समस्या है। उनको गवर्नमेंट को उनको अपने आप नहीं छोड़ देना चाहिए, पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए एम्बेसी को थोड़ा सा, क्योंकि यदि बच्चों को उनके हाल पे छोड़ दिया गया, वहाँ के युद्ध के हालात हैं, बच्चों को
और उनको थोड़ा सा वो दिया जाए, सहानुभूति इंडियन जो गवर्नमेंट वो बोल रही है कि हम ये कर रहे हैं, ऐसा ग्राउंड में कुछ भी नहीं है, तो शायद हमारे बच्चे बहुत ही ज्यादा परेशान है वहाँ पे, कि उनकी हेल्प की जाए। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुहार लगाइए। अभी आपसे बात करते करते इंटरव्यू देते वक्त भी यहाँ पर हमको दो तीन बारी बॉम्ब ब्लास्ट की आवाजें आ चुकी है। जब से यहाँ पर आए हैं हर घंटे कुछ ना कुछ ब्लास्ट होते रहते हैं यहाँ पे, तो जो इवैक्यूएशन जो हो रहा है जो बॉर्डर साइड वाले लोगों का हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि कीव में जो बच्चे फंसे हुए हैं, जो मेन एपिसेंटर है इस जगह का, उन लोगों को एटलीस्ट कुछ तो बताया जाए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इधर कल रात हम लोग बंकर से सोए हैं, जो स्कूल वालों ने कोई इन्फॉर्मेशन कोई डिटेल्स आप लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, कुछ नहीं पता है हमको, कुछ नहीं पता है कि यहाँ पर क्या है। हम लोग को आज चौथा दिन है यहाँ पर, और हम लोग वैसे के वैसे हैं, खाना खत्म होने वाला है, इधर कर्फ्यू लग रखा है, तो ना तो कुछ शॉप्स पर अवेलेबल है, ना एम्बेसी वाले कुछ प्रोवाइड कर पा रहे हैं, और हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर और एक्सट्रैक्शन हाँ, की कोई बात कोई बात ही नहीं है इवैक्यूएशन की। अगर हम अपनी बोल रहे हैं अपनी रिस्क पे, हम लोग को ट्रेन्स, इन लोगों ने सिर्फ जो एक काम किया है वो है ट्रेन्स प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ पर भी हमको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जाना है, और वहाँ पर भी हम जाते हैं तो यहाँ से स्टेशन तक का रास्ता ही इतना ज्यादा खतरनाक है कि यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट की आवाजें अभी आती रहती है पूरे टाइम। ट्रेन में पहुंच कर हम सिटीज तक पहुंच भी गए, तो वहाँ पर बॉर्डर पर पहुंचने के बाद क्या, वहाँ पर भी कुछ अता पता नहीं है। बॉर्डर्स पे बच्चे जो ऑलरेडी हैं, जो कि मतलब 2,000 से 3,000 की संख्या में बच्चे ऑलरेडी बॉर्डर पे फंसे हुए हैं, कुछ रोमानिया पे कुछ पोलैंड में, पोलैंड में सिर्फ लड़कियों को लिया जा रहा है, लड़कों को छोड़ा जा रहा है, तो वो भी अब बंद हो गया है, पासपोर्ट जो है फाड़े जा रहे हैं, उधर उन लोग के पास तो कुछ भी खाने पीने का नहीं है, वहाँ पर भी उन लोग को कुछ नहीं पता कि उन लोग को क्या करना है। तो इंडियन एम्बेसी की तरफ से कुछ इवैक्यूएशन जैसी चीज तो कुछ पता ही नहीं लग रही है, वो हम लगती है कि हमारे पास छत है, बाकी जो बॉर्डर पे बच्चे हैं उनके पास तो वो भी नहीं है। बहुत ही भयावह है, हम आपकी स्थिति समझ सकते हैं कि आप किस तरह से वहाँ पर रह रहे होंगे, क्योंकि चौथा दिन है, युद्ध समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है, आपके परिजन यहाँ परेशान है, आप वहाँ कीव में है, कोई खारकीव में है, रोमानिया जो लोग पहुंच रहे हैं, जो स्टूडेंट्स पहुंच रहे हैं, वो तो फिर भी जैसे तैसे वहां से वतन वापसी कर रहे हैं। देखिए आज अगर जो अपडेट आया है वो ये है कि भारत सरकार ने फैसला ये लिया है कि अभी और यहाँ पर चर्चा होनी है, कैसे वहाँ से बच्चों को लाया जाए इस पर भी मंथन अभी होना है, क्योंकि मुश्किल बहुत ज़्यादा है। देखिए चारों तरफ अगर हम देखें तो रशिया के जो फाइटर जेट्स हैं वो लगातार बम धमाके कर रहे हैं, ऐसे में एयर इंडिया का विमान वहाँ जाएगा। हालांकि पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की थी 25 मिनट, और ये भरोसा दिलाया था कि भारतीय छात्रों को वो कुछ नहीं करेंगे और वो सुरक्षित उन्हें वापस पहुँचाएंगे उनके देश, और भारत सरकार भी लगातार यहाँ से कॉन्टैक्ट कर रही है। लेकिन मैं यही कहूँगी आप लोगों कि अभी आपको धैर्य रखना होगा। देखिए यहां से कोशिश हो रही है लेकिन संख्या बहुत ज्यादा है, ये भी हम लोगों को समझना होगा। 18,000 से 20,000 स्टूडेंट्स वहां पे हैं, एक बार में उन्हें लाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए एक एक दल जो है वो वहां से वापस आएगा। देखिए आप लोग हमारे साथ जुड़े, आप लोगों ने अपनी तकलीफ हमें बयां की है, हम कोशिश करते हैं कि हमारी आवाज़ ऊपर तक जाए और आप लोगों की आवाज़ ऊपर तक जाए, ताकि जल्द से जल्द आप लोगों को वहां से वापस भारत लाया जाए। आपकी स्थिति हम लगातार समझ रहे हैं, आपकी परेशानियां समझ रहे हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपनी आवाज़